हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आशीष टीडी में। देखिए, आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लाए हैं जो कि आपकी RRC ग्रुप डी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ग्रुप डी के हैं, मेडिकल और डी भी चल रहे हैं सभी बोर्डों के। ठीक है, तो हम लोग क्या है, उनमें से एक बोर्ड यानी सिकंदराबाद बोर्ड की बात करने वाले हैं। जैसा कि कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप क्या है उसका DV और मेडिकल का रिव्यू दीजिए, तो उसी की बात करने वाले हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल हम क्या है सिकंदराबाद में ही हैं, क्योंकि मेरे दोस्त का एक DV और मेडिकल होना है, तो DV अभी हो चुका है उसका, तो हमने सोचा कि उसका रिव्यू दे दिया जाए, क्योंकि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको जान के ये खुशी होगी कि यहाँ पे कोई आपका CBT या PET का लोअर या अपर पार्ट नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सेंटर है आपका लाला गोड़ा। ठीक है, जैसा कि अभी पिक दिखाने वाले हैं, देखिए पहले पिक देख लीजिए आप। देखिए, जैसा कि आपको पिक यहाँ पे दिख रही होगी, ये पूरा आपका क्या है, पूरा एड्रेस है रेलवे मैक्स हाई स्कूल और क्या है साउथ लालागोड़ा सिकंदराबाद। ठीक है, तो ये जिसका भी सेंटर है ये आपको ऐसे ही बोर्ड लगा मिलेगा, यहाँ पे आपका क्या है DV होगा और इसके बाद आपका क्या होगा नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये सिकंदराबाद में है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि वहीं पे हमें अभी हैं, उसका मेडिकल वो सॉरी आपका DV हो चुका है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको जो रेलवे से इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, जितनी भी रेलवे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, और देखिए इसका वीडियो जो है नेक्स्ट डे यानी कल जैसा ही आपका उसका मेडिकल होगा वैसे ही उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये रिव्यू पूरा देख लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्लियर, चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपका लग रहा है। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें CBT या PET का कोई आपका पार्ट नहीं मांगा जा रहा है, और सबकी आपकी जीरोक्स कॉपी ले जानी है आपकी दो, ठीक है, और वो भी क्या है अटैच्ड होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट टीचर से। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब क्या है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते समय उसमें फिल किए थे वो सारे आपको ले जाने हैं। ठीक है, वो जो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, डिक्लेरेशन फॉर्म हुआ, कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो लालागोड़ा गोड़ा सेंटर है, और लेकिन आपके पास अगर एफिडेविट है तो ले जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं ओरिजिनल। अब बात कर लेते हो अंदर क्या होता है। देखिए, जैसे ही आप क्या है अंदर पहुँचोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, जैसे ही पहुँचोगे वहाँ पर आपको फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म में क्या होगा आपको वो भरनी पड़ती है आपको पैसेज, ठीक है, पैराग्राफ जो होता है वो आपको लिखना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपकी वो हैंड राइटिंग मैचिंग की जाती है कि आप वही हो जो CBT 1 में थे या फिर और कोई। ठीक है, तो उसके लिए आपकी हैंड राइटिंग की जाती है, फ़ोटो और सिग्नेचर करवाए जाते हैं, और उसके बाद आपको क्या है, हाँ, जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पे 3-4 लोग बैठे होते हैं, तो वो आपका बारी बारी से चेक करते हैं। क्लियर, जब वो चेक कर लेंगे तो आपको नीचे स्लिप जो होगी तो वो आपको दे देंगे, तो उससे क्या होगा आप क्या है नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए जा सकते हो। और बताना चाहेंगे कि ये आपका कहाँ है, ये स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर है, जो आपका ये सेंटर दिख रहा है ये कहाँ है आपका, स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर है, जो आपके बस से आओगे अगर आप तो आपका कितना 10 रुपये लगेंगे केवल। ठीक है, तो अगर कोई ज़्यादा मांगे तो आप सावधान रहिएगा, इसलिए बता रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई आपकी पूरी DV की, और जैसे ही उसका कल मेडिकल होगा, ठीक है, तो उसका क्या है पूरा रिव्यू हम आपको कल दे देंगे, जैसा ही मेडिकल हो रहा है कैसी क्या प्रॉब्लम आ रही है पूरा सब कुछ बता देंगे। तो उसके लिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए, और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी ये क्या है इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कई लोग क्या है डर की वजह से नहीं आते कि हमारा CBT नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़िया, आपने जो थंब होते हैं लेफ्ट थंब होता है अच्छे से साफ करके आइएगा,
क्योंकि अगर जिसकी मैच नहीं कर रहा है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आप समझना रहे हैं तो आप सब क्या अच्छे से करके आइएगा। चलिए एक क्या है आपकी डीवी की पिक दिखाएंगे, दिखा रहे हैं आपको जो अंदर की हमने खींची थी, तो चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए ये आपका क्या है, हॉल है, जो आपका ये सेंटर है इसके अंदर आपको ऐसा हॉल मिलेगा और ऐसे ही आपको बैठाला जाएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। और यहाँ पे आपका क्या है, ये लोग बैठे रहेंगे तो यहाँ पे आपके थंब प्रेस होंगे, उसमें आपकी क्या है बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद आपको क्या है ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। चलिए एक और आपको फॉर्म दिखा देते हैं। चलिए तो फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपको कैसा फिल करना होगा, कैसा फॉर्म मिलेगा, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये सब लिखा है हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये आपने क्या है जिस कैंडिडेट का है उसका क्या है हाइड कर दी इन्फॉर्मेशन। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या है डेट ऑफ वेरिफिकेशन, 8 तारीख को वेरिफिकेशन था तो वो आपको यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा और देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये लिखा है पैसेज वो आपको यहीं पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो नीचे आपका देखिए क्या है, ये सिग्नेचर, ये रोल नंबर, ये नेम कैपिटल, एनी नेम अपना लिखना है कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है फ़ोटो लगानी है। ये आपको फॉर्म सबसे पहले दिया जाएगा, हर सेंटर में आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नीचे क्या है। देखिए नीचे आपको क्या है थंब इम्प्रेशन, यानी थंब क्या आपका लगाना है यहाँ पे, लेफ्ट थंब, पाँचों में आपको क्या है लेफ्ट थंब की वो आपको लगाना है, ठीक है। और ये क्या है आपके आइडेंटिटी मार्क्स हैं जो आपको दिखाना वहाँ पड़ेगा यहाँ पे आकर, अगर नहीं दिखाओगे तो वेरिफिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको जो फॉर्म भरते समय आपने भरे थे तो ये आपके देखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है डीवी का। अब बात कर लेते हैं इसका मेडिकल की। तो मेडिकल को आपको कल वीडियो मिल जाएगा, जैसे ही उसका मेडिकल हो जाएगा तो आप क्या है उसके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलिए ठीक है बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना प्रेस करना ना भूलना, ठीक है। चलिए थैंक यू।